हाँ जी दोस्तों, तो कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? उम्मीद करता हूँ अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि आपको पता है कि ASL पे एकदम आतंक मचा पड़ा है, सुबह की मॉर्निंग क्लासेस हो रही हैं, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, सर चार चार पाँच पाँच घंटे क्लासेस ले रहे हैं, रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं अपने। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग पूरी तरह से तत्पर हैं आप लोगों के लिए, और आप लोग तत्पर हो अपनी पढ़ाई को लेकर के। तो क्यों ना इस मेहनत की कड़ी को और आगे बढ़ाते हुए एक नया माइलस्टोन और रखा जाए। हम लोग कल शाम को 6 बजे से रात को 12 बजे तक एक बहुत बड़ी क्लास ले रहे होंगे, जहाँ पे 6 घंटे का मार्जिन हमारे पास लेके चल रहे हैं। 3 चैप्टर कवर करेंगे एक साथ, वन शॉट, विलयन, विद्युत रसायन और साथ में रासायनिक बल गति की कक्षा 12 केमिस्ट्री। एक और बात आपको मैं क्लियर कर दूँ कि कल की क्लास में आप लोगों को अपना डेटा बचा के रखना है, बूस्टर डोज ले लीजिएगा, ठीक है? उसमें आप अपना 6 GB का रिचार्ज करा सकते हैं, जो भी आप लोगों के पास ऑप्शन हैं वो सब करके रखिएगा। शाम को 6 बजे हम लोग मिलेंगे, रात को 12 बजे तक एक्सपेक्टेड है कि आपकी लाइव चल रही होगी। एक बात और क्लियर कर दूं मैं आपको कि अभी 10 तारीख को ना बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है। 10 तारीख को हम लोग नए बैचेस लॉन्च कर रहे हैं, जो भी बच्चे 11 से 12th में आने वाले हैं उनके लिए नए बैचेस लॉन्च हो रहे हैं। जो बच्चे बैचेस का वेट कर रहे थे उनके लिए बहुत बड़ी खबर है। साथ में कुछ ऐसा होने वाला है जो आपसे शेयर किए बिना नहीं रहा जाएगा। 10 तारीख को बैचेस लॉन्च के अलावा एक बहुत जबरदस्त, बहुत बड़ा सरप्राइज है। तो ये दो डेट आप सेव रखिएगा, और 10th का भी जो है कंटेंट वो स्टार्ट होने वाला है मैथमेटिक्स में। 10th की क्लास कल होगा, वन शॉट ही है, और कल आपका निर्देशांक ज्यामिति रखेंगे, और उसके बाद हम अगला चैप्टर है एक और त्रिकोणमिति का परिचय। तो 2 दिन तक लगातार आपकी 10th क्लास की वन शॉट चलेगी। तो जिस टाइम सर की चल रही होगी, जैसे 6 क्लास 6 से 12 सर रात को लेंगे, तो 6 से 8 या 9 बजे तक जो है वो 10th क्लास इसके पैरेलल चल रहा होगा। तो आप लोग जो भी ज्वाइन करना चाहें, बिल्कुल आपका परिवार दोनों मिल बांट के साथ में देखिएगा, पारिवारिक महोत्सव चलेगा कल ही। बिल्कुल बढ़िया। और 10th का जो है वो ASL फाउंडेशन जो चैनल है उसके ऊपर चलेगा, तो वहाँ पे बच्चे उसको कनेक्ट कर सकते हैं। और एक और चीज़ है बेटा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है 11th क्लास के बच्चों के लिए, मैंने आपके लिए वीडियो बनाया था अभी कि आपको अपनी पढ़ाई कैसे करनी चाहिए। जो जो चैप्टर आपके बहुत ज़्यादा काम के थे उन चैप्टर्स को मैंने उस वीडियो में बताया था। वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा। कल हाइड्रोकार्बन का आपका 1.5 घंटे का वन शॉट डाला है। आज रात को 9:30-10 बजे तक उसमें मैंने आपको 2 वीडियोज़ का लिंक देने की बात कही थी, वो मैं आज रात तक दे दूंगा। तो 11th क्लास वाले बच्चे उस चीज़ को देख करके अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू करेंगे। 1-2 दिन के अंदर आपका फ्लूइड मैकेनिक्स हम लोग स्टार्ट कर देंगे। कहने का मतलब यह है कि हर चीज़ स्मूथ चल रही है, हर चीज़ परफेक्ट चल रही है। कल क्लास 12th का DPP के अंदर प्रैक्टिस पेपर गया था पूरा कंप्लीट, एक कंप्लीट प्रैक्टिस पेपर गया था, और उस प्रैक्टिस पेपर का हम लोगों ने सॉल्यूशन आज अपलोड करेंगे। तो जिन बच्चों ने फोर्स बैच ज्वाइन कर रखा है, पक्का पक्का से बेटा DPPs जा रही हैं, डेली सैंपल पेपर्स जा रहे हैं, आप उनको सॉल्व करिए, वहीं से रिजल्ट बन के आएगा। और आपके लिए एक और इन्फॉर्मेशन है, अब हम लोग जो है DPP में PYQs को स्टार्ट करें, चैप्टर वाइज PYQs। तो कल या परसों से आपके पास उसकी शीट्स भी एप्लीकेशन में आने लगेंगी विथ सोल्यूशन। आज शीट जाएगी, कल सोल्यूशन आएगा, परसों शीट जाएगी, तरसों सोल्यूशन आएगा, ये पैटर्न चल रहा है। तो ये सबसे बड़ी बात है। कल सुबह मॉर्निंग में मेरी क्लास नहीं है, क्योंकि कल शाम को ताबड़तोड़ क्लास है मेरी 6 घंटे की। तो कल मॉर्निंग में आपका रूटीन ब्रेक नहीं हो, इसलिए विक्रम सर मैक्स की क्लास लेंगे। कल MCQ सेशन रखते हैं, ओके, है ना? MCQ सेशन रखते हैं चैप्टर नंबर 7th और 8th का, जो भी हमने कल पढ़ा है उसका, और 7वें चैप्टर का समाकलन का, दोनों का MCQ सेशन रखते हैं, ताकि बच्चों की प्रिपरेशन भी हो जाएगी और MCQ भी आप लोगों के कवर हो जाएंगे। बिल्कुल सही है। तो कल मॉर्निंग में मैथमेटिक्स की ऑब्जेक्टिव क्लास, इवनिंग में 6 से अनशन क्लास, 11th वाले बच्चे हाइड्रोकार्बन के लिंक्स पढ़ रहे होंगे, और 11th वालों का बहुत जल्दी फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट होगा, 10th वालों की साइंस चली रही है, और 10th वालों की मैथ्स का कल वन शॉट अनशन वीडियो है। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक क्लास के लिए प्रॉपर प्लानिंग चल रही है, हर एक क्लास के लिए प्रॉपर चीज़ें चल रही हैं। तो आई होप कि आपकी पढ़ाई बढ़िया है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लग रहा है, और आपके कोई सुझाव हो तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। बाकी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपकी बेस्ट से बेस्ट हेल्प कर सकें। एक और बात कहना चाहूँगा, आपके स्कूल्स के एग्जाम किसी रीजन से अगर डिले हो रहे हैं, तो ये मत सोचना कि जो है हमारे पास बहुत समय है, क्योंकि होता ये है बेटा, समय कैसा भी हो, कितना भी हो, समय की एक खासियत होती है कि वो निकल जाता है। तो अगर आप सोच रहे हो कि बहुत ज़्यादा टाइम है, तो ऐसा नहीं है, पता नहीं, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका एग्जाम आ जाएंगे। सही बात। तो दिसंबर हम लोग बिल्कुल तत्पर हैं कि इस महीने आपको जितना हो सकेगा हम लोग बुरी तरह से मेहनत करेंगे आपके साथ, और यही टाइम है मेहनत करने का। बिल्कुल इस साल इस दिसंबर महीने मेहनत कर लो,
जनवरी के अंदर आपको सेल्फ स्टडी के लिए भी टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि आप किसी टीचर के भरोसे मत रहो कभी भी। जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, मुझे नहीं लगता कि आप बेटर मार्क्स गेन कर पाओगे 100%। क्योंकि सेल्फ एनालिसिस और सेल्फ स्टडी दोनों मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए, जिससे आपको ये पता लग जाए कि आप कहाँ पर एग्जिस्ट करते हो। जैसा कि अभी डीपीपी वाला काम चल रहा है, तो डीपीपी भी अगर आप काम करते हो तो भी आपको अच्छा आउटपुट मिलेगा। यही रीजन है कि हमने क्वेश्चन एक दिन पहले दिए, ताकि आप आराम से क्वेश्चन चेक कर लो। गलती तो करोगे, इससे ज्यादा क्या होगा। सही बात है। तो उनको नेक्स्ट डे आराम से उनका सॉल्यूशन चेक करके एक बार सॉल्यूशन देखो, और फिर वापस उस क्वेश्चन को करो जो आपको एक बार में नहीं आया। तो इससे आपका जो रिजल्ट है वो भी इंप्रूव होगा, और आपका एनालिसिस है वो भी, आप मतलब एक होता है ना डेली इंप्रूव करना खुद को 1%, बिल्कुल वो वैसा वाला सीन हो जाएगा आपके साथ। सही बात है। 30 दिन की बात है। बिल्कुल सही है। और डॉक्टर गगन माथुर भी अपनी क्लासेस ले रहे हैं प्रॉपरली, और आप देख पा रहे हैं उनके लाइव भी चल रही है, रिकॉर्डेड भी चल रही है। तो जो बायो के बच्चे हैं वो भी अपनी मेहनत फुल करो बेटा, क्योंकि इतने एक्सपीरियंस टीचर से आपको पढ़ने को मिल रहा है, और ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोगों को उनका साथ मिल रहा है और आप लोग उनसे कुछ सीख पा रहे हो। तो जितना हो सके बायो के लेक्चर्स को भी अपना प्यार दीजिए, और बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अपना गोल डिसाइड करो, अब समय आ गया है, और ये वीडियो सबके साथ शेयर करो ताकि किसी की भी क्लास मिस ना हो। मॉर्निंग वाली क्लास को आपने बहुत प्यार दिया था, और वो हम लोगों ने जो इनिशिएटिव लिया था उसमें हमें बहुत मजा आया आप लोगों के साथ, और आगे चल रही है वो क्लासेस। कल शाम को एक बहुत बड़ा स्टेप और लेने जा रहा हूँ। मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि कल की क्लास में आओगे ना, और कमेंट करके जरूर बताना कि आप कल की क्लास को लेकर कितना एक्साइटेड हो। विलियन विद्युत रसायन रासायनिक बलकती 6 घंटे 6 बजे से 12 बजे तक। मिलते हैं कल। बाय बाय। टेक केयर।